गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको हमारे दोबारा इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सोलने यूनिवर्सिटी, जिसकी लोकेशन आपका काफी खूबसूरत, सो सबका ड्रीम होता है, डेस्टिनेशन होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। इसका लोकेशन जो है आपका सोलन में। और मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट होंगे, चाहे जो भी देख रहे होंगे वीडियो को, इस लोकेशन को जरूर नाम सुना होगा। और बहुत लोगों का घूमने का विचार भी दिमाग में आता होगा, काश यहाँ हम घूमने जाए। तो इसी के बीच में ये यूनिवर्सिटी आपका आता है, सोलनी यूनिवर्सिटी। अगर बात करूं इसका कैंपस, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है आपका हिमाचल प्रदेश में। इसकी लोकेशन की बात करें तो चंडीगढ़ से आपका इसका लोकेशन जो है लगभग 70 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस है आपका, जो डिस्टेंस कवर करना होता है लगभग 2 घंटा लग जाता है बाइक कैब चंडीगढ़ से। वहीं शिमला से बात करें तो शिमला से लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कैंपस। बहुत ही खूबसूरत वादियों में है कैंपस। अगर बात करें इंडिया में पढ़ने का मतलब, यानी वादियों में, तो कहते हैं ना, ये भी जो गाना आया है चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, तो सच में वो जन्नत वाला जगह है। कहीं प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर देख रहे हो तो बिंदास जाओ सोलनी यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स। सोलनी यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। कोर्सेज से बात करें तो यहाँ पर बीबीए, बीकॉम, बीटेक, पीएचडी, बी फार्मा, एमबीए, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमारा इस वीडियो में रिव्यू रहेगा कि यहाँ पर बीटेक कैसा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। जैसे कि 2023 में अभी इसको एनआरएफ में यूनिवर्सिटी 73 रैंक पर इसको यूनिवर्सिटी का एनआरएफ रैंक मिला हुआ है। वहीं फार्मेसी का बात करें तो 41 रैंक है 2023 में। थोड़ा सा 2022 के कंपेयर देखो, 2022 में 36 रैंक था आपका फार्मेसी में, अभी 41 हो गया। बट यूनिवर्सिटी 2022 में 96 रैंक था एनआरएफ में, इस साल 73 हो गया। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रो कर रहा है। इसकी बात करें स्टार्टिंग का, तो 2009 में ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ है, यानी कि लगभग आपका हो गया 14 साल पुराना। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एक ग्रो करता हुआ यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर एशिया में बात करें तो। आने वाले टाइम का ये भविष्य है ये यूनिवर्सिटी। रीजन है कि ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। यानी बात करूं तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहां पर एक लेवल वाले मतलब फीलिंग आते हैं। अगर बात करें इसमें एडमिशन प्रोसेस का, तो सोलनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है, खुद का एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसके वेबसाइट पर, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। सोलन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बीटेक से मैंने बोला कि बीटेक का अगर बात करें तो यार बीटेक में यहाँ बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलेगा। बीटेक में आपका जो ब्रांचेस वगैरह है उस पर टॉपिक डालते हैं कौन कौन सा ब्रांचेस है। स्टार्ट करते हैं बीटेक में कौन सा ब्रांचेस है। बीटेक में इसके जो ब्रांचेस है, बीटेक में पहला जो ब्रांच है आपका यहाँ पर है आपका बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, बायोमेट्रिक इंजीनियरिंग है, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग है बीटेक में, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी जुड़े हुए, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है। बीटेक की बात करें एक्सप्लेनेशन का, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद ब्लॉकचेन एंड आईओटी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी भी है। वहीं आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस विद डेवऑप्स है, डेवऑप्स क्या होता है ये मेरे से पूछना क्योंकि मैं इस प्रोफाइल में भी वर्क कर रहा हूँ। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस भी है इसके पास एक्सप्लेनेशन में। वही बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस गेम डिजाइन एंड एआर वीआर ये भी जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद आपका यूआई यूएक्स करके एक्सप्लेनेशन भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद ग्राफिक्स एंड एनिमेशन एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक्सप्लेनेशन आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसका प्लेसमेंट का, तो भाई प्लेसमेंट जो मैंने इस यूनिवर्सिटी का देखा है, इसकी जो मिनिमम प्लेसमेंट है, खासकर बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले एक्सप्लेनेशन के पार्ट का, बीटेक कंप्यूटर साइंस का जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो इसकी जो मिनिमम प्लेसमेंट है 3.6 लाख रुपीज का मिनिमम प्लेसमेंट है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं, एवरेज प्लेसमेंट आराम से इस यूनिवर्सिटी से 7 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट आराम से बीटेक कंप्यूटर साइंस का देखने को मिलता है। बाकी और जो इनके पास जो ब्रांचेस है, खासकर रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी, बायोफार्मेटिक इंजीनियरिंग, ये आपको किसी और बहुत कम यूनिवर्सिटी में आपको ये ब्रांचेस देखने को मिलता है। रिन्यूएबल इंजीनियरिंग आज का एक मतलब आने वाले टाइम का एक मतलब फ्यूचर है, तो रिन्यूएबल इंजीनियरिंग भी ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप कोई अच्छा इंजीनियरिंग देखना चाहते हो रिन्यूएबल इंजीनियरिंग को भी देख सकते हो बीटेक में। अब बात करते हैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी का फीडबैक, तो भाई देखो जिस लोकेशन पर यूनिवर्सिटी है भाई फीलिंग ही
लेवल उसका हाई हो गया, जिस लोकेशन पे है ये यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपको हर चीज का मजा मिलेगा। ठंड का भी बात हो, थोड़ा गर्म होगा ही जहाँ पर लोकेशन पे, बट ठंड है भाई, ठंड और स्नोफॉल का ही मजा है वहां पर, तो ये ड्रीम होता। बाकी तो जॉब करने के लिए जो बैंगलोर पुणे जो बड़े बड़े सिटी वाले जॉब करने है, लेकिन जो पढ़ाई का जो कल्चर जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वो हिमाचल के वादियों में, यार क्या खूबसूरत कैंपस है। पर्सनली विजिट किया हूँ कैंपस, काफी खूबसूरत कैंपस है आपका। उसके अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आपका अगर प्लानिंग है अच्छी यूनिवर्सिटी के तलाश में हो, अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हो, तो बिल्कुल आप इस यूनिवर्सिटी को देखो, सॉली यूनिवर्सिटी को, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। इसके रिगार्डिंग और भी कोई कुछ क्वारी होगा आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो। और जैसे कि मैं बता दूं कि हिमाचल फार्मेसी फार्मेटिकल कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्टेट है, जहां पर दवाइयां बनती हैं, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड साइड जहां पर आपको फार्मेटिकल इंडस्ट्री देखने को मिलता है, तो ये भी प्लस पॉइंट वहां पर देखने को मिलता है। अगर आप अच्छे कॉलेज देख रहे हो फार्मेसी, तो इसको बिल्कुल देख सकते हो। बाकी बीटेक का भी ठीक ठाक बहुत बढ़िया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप मेरे पर्सनल दिए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा यार वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को बोला ना पड़े लाइक और दोस्तों में शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब के लिए बाय बाय।